भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी संगठन अभियान शुरू हो रहा है। दिल्ली में शाम 5 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और इसी के साथ देशव्यापी संगठन पर्व का शुभारंभ होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह समेत कई नेता इसका सीधा प्रसारण देखेंगे और ये जो कार्यक्रम बीजेपी के सदस्यता अभियान का है, साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जारी रहेगा और आने वाले दिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्रमशः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय पार्टी की सदस्यता लेंगे। आज दिल्ली में कार्यक्रम होना है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सदस्यता अभियान को चलाया जाएगा। इसके बारे में और डिटेल लेने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया, तनु वर्मा दोनों ही हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं भोपाल में। शैलेंद्र, क्या तैयारियां चल रही हैं सदस्यता अभियान को लेकर, चूंकि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री सदस्यता लेने वाले हैं? मध्य प्रदेश की बात करूं तो तमाम जो बड़े नेता हैं, संगठन से जुड़े हों या सरकार से जुड़े हों, लगातार बूथ स्तर पर बैठकें आयोजित की गई हैं जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी संगठन ने 1.5 करोड़ नए कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा किया जाए। कल देखिए संयुक्त मोर्चे की भी बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए थे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मिसरौत के एक बूथ पर भी पहुंचे थे और वहां बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक की थी। इसके पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री आवास के पास में ही मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे और बूथ क्रमांक 111 की उन्होंने बैठक ली थी। तो ये बताता है कि चाहे संगठन के जो इतने बड़े नेता हैं, जो सरकार के मुखिया हैं, वो तक बूथ लेवल पर पहुंच रहे हैं और बूथ के कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि ये संगठन का जो पर्व है कितना महत्वपूर्ण है और जो 1.5 करोड़ का लक्ष्य लिया गया है उसको जल्द से जल्द पूरा करना है। अगर मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से देखूं तो हर बूथ से लगभग 200 नए कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य इस बार बीजेपी ने रखा है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे और उसके बाद वो लोग जब मध्य प्रदेश लौटे थे तो मध्य प्रदेश में एक बृहद बैठक जो है वो यहां आयोजित की गई थी और उसके माध्यम से सभी पदाधिकारियों को कह दिया गया था कि अपने अपने इलाकों में बूथ स्तर पर आप लोग बैठकें करें ताकि जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो नए सदस्य जोड़ने का काम करे। मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ नए कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है तो उसको लेकर आज मुख्य कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में आयोजित होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा उनको सदस्यता दिलाएंगे और इस सदस्यता अभियान का जो आगाज होने वाला उसका लाइव प्रसारण जो है वो किया जाएगा। यहां पर अभी देखिए तमाम व्यवस्थाएं बीजेपी दफ्तर में की गई है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर के अलावा संगठन के मुखिया बीडी शर्मा और संगठन के जो प्रभारी है महेंद्र सिंह, सबके सब यहां पर मौजूद रहेंगे और जो कार्यक्रम हुआ जो होगा उसका लाइव प्रसारण भी देखेंगे और कल से मध्य प्रदेश में भी इस अभियान का बूथ स्तर पर भी शुरुआत हो जाएगी और उम्मीद है कि बीजेपी जो लक्ष्य रखा है, बीजेपी का दावा है कि जो लक्ष्य रखा है उससे अधिक जो है कार्यकर्ता जोड़ने का काम इस संगठन पर्व के जरिए करने वाली है। जी बिल्कुल, और विष्णुदेव साय भी सदस्यता लेने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से। और तनु, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, कब का समय तय हुआ है और छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल सदस्यता ग्रहण करके छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत करेंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कल सीएम साय को सदस्यता दिलाएंगे और सदस्यता अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में भी लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। 4 और 5 सितंबर को जिला और मंडल स्तर पर जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत जो है वो की जाएगी। इसके अलावा लगातार सदस्यता अभियान को लेकर मोर्चा प्रकोष्ठों की जो है वो बैठक देखने को मिली, इसको लेकर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, पदाधिकारी कार्यकर्ता को इस बैठक के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई कि जब वो नव सदस्यता अभियान के लिए निकलेंगे तो किस तरह से उन्हें सदस्यता अभियान के तहत लोगों को जोड़ना है, किन किन बातों का इस पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही बीजेपी की रीति नीति भी उन्हें जो है सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को जो है वो समझानी है और 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में वॉर रूम का भी गठन जो है वो किया गया है। इस वॉर रूम के माध्यम से सदस्यता अभियान की जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही इस अभियान को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उस पर भी जो है नजर रखी जाएगी और वॉर रूम के माध्यम से ही सदस्यता अभियान में बूथ लेवल में क्या कुछ चल रहा है इसकी भी रिपोर्ट जो है वारूम के माध्यम से यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही अभियान को लेकर 5 कमेटी का भी जो है गठन किया गया है जो इस पूरे अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने वाली है। वहीं 31 अगस्त तक ही छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को लेकर लगभग तैयारियां जो है पूरी कर ली गई थी। प्रत्येक बूथ में 200 लोगों को जोड़ने का टारगेट जो है वो पदाधिकारी को जो है दिया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त वर्तमान में 31,42,000 लोग जो है सदस्यता अभियान के तहत जुड़े हुए हैं। ऐसे में इसे 50 लाख तक करने का लक्ष्य इस बार जो है वो रखा गया है। वहीं 15
अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है, तो लगातार तैयारियां जो है एक बार फिर सदस्यता लेंगे तो कार्यकर्ताओं में एक संदेश देने का प्रयास रहेगा, उनमें ऊर्जा भरने का प्रयास रहेगा। और जो टारगेट शैलेंद्र तनु दोनों लेकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उसे हासिल करने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे बैतूल से।